Now, given question is this, we want to convert this given question into CFG to CNF. So first of all, according to the property number 1, which I said here in the previous lecture ki, if start symbol appears in the right hand side, you can say here the start symbol is S, and ye start symbol S jo hai, dekhiye ek to yahan pe nazar aa raha hai, dusra yahan pe aa raha hai. To agar hamara start symbol jo bhi hoga grammar ka given hoga, agar wo right hand side bhi dikh raha hai, then we have to add one more production. I mean, एक नया हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, नॉन टर्मिनल वेरिएबल लेंगे, एंड वी ट्रीट दैट वेरिएबल एज आर स्टार्ट सिंबल, और वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे. तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में, सिंस स्टार्ट सिंबल अपीयर्स इन आरएचएस, देन ऐड न्यू सिंबल और प्रोडक्शन. तो वो न्यू प्रोडक्शन हम क्या करेंगे वो देखेंगे. आई एम राइटिंग हियर प्रॉपरली एस डैश टेंस टू एस. तो हमने यहाँ पे बिकॉज एस जो है हमारा राइट हैंड साइड था, इसलिए हमने यहाँ पर इस प्रोडक्शन को ऐड किया, एस डैश टेंस टू एस कर दिया, एंड बाकी जो रिमेनिंग था वो एज इट इज वी विल राइट. देयर इज अ नो चेंज इन द प्रीवियस गिवन ग्रामर, दैट इज दिस ए टेंस टू बी ऑब्लिक एस एंड बी टेंस टू small b epsilon. So now this is nothing but this grammar. You can say give the name as a g dash after adding this start symbol s dash. Here you can write here s dash is start symbol according to the property number 1. If the start symbol appears in the right hand side, then we have to add this production which I mentioned here. तो ना आफ्टर दैट हमने ये फर्स्ट स्टेप कर लिया. सेकंड स्टेप में हम क्या देखेंगे, लुक इनटू द गिवन ग्रामर, इज देयर एनी नल प्रोडक्शन, येस. इन द थर्ड प्रोडक्शन दिस बी टेंस टू नल इज गिवन हियर. तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस बी टेंस टू एप्साइलन, देन रिमूव नल प्रोडक्शन. फॉर दैट वॉट वी विल डू, यहाँ पे हमारा जो नल प्रोडक्शन है बी टेंस टू एप्साइलन, हम यहाँ पे उसे रिमूव करेंगे, देन इट विल बी नथिंग बट एस डैश टेंस टू एस रहेगा, बिकॉज इसमें कोई बी नजर नहीं आ रहा, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनी थिंग, एंड ए एस ए एज इट इज है. नेक्स्ट हमारा ए बी है. वेन वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट यर बी एज अ एप्साइलन, देन योर आंसर विल बी ए. यानी कि अगर हम बी को यहाँ पे एप्साइलन रखते हैं तो मिनिमम हमारे पास ए आएगा. ओके, लीव दिस एस प्रोडक्शन अगेन, ए टेंस टू हमारे पास क्या है, बी ऑब्लिक एस. अब आप देखिए बी को हम दो चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, आई मीन दिस ए टेंस टू बी. यहाँ पर तो बी को आप एक तो एप्साइलन रखेंगे तो ए हमारा एप्साइलन हो जाएगा. दूसरा अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो बी की वैल्यू थी वो क्या क्या थी, यहाँ पर आपकी दैट इज नथिंग बट यहाँ पे है b oblique epsilon. तो either you can substitute here, I mean a tends to जो हमारे पास b है अगर हम उसको replace करें तो either we can substitute as a b or epsilon. तो अगर हमने यहाँ पर epsilon रखा तो यहाँ पे कुछ change हो जाएगा हमारे पास. similarly अगर आप बात करें यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे b को replace करते हैं, because b को अगर हमने यहाँ पर substitute किया epsilon से तो आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ए टेंस टू एप्साइलन आ जाएगा. दूसरा आप देख सकते हैं बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल बी भी रख सकते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ऑलरेडी जो हमारा एस था वो एज इट इज है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया. तो जब हमने बी टेंस टू एप्साइलन यहाँ पे रखा तो आपने देखा कि हमारा ए भी क्या है, एक एप्साइलन बन गया. नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या होगा, नाउ रिमूव a tends to epsilon. Next step में हम क्या करेंगे, अब हम a tends to epsilon, because when we substitute here b as a epsilon, then the answer is nothing but a tends to epsilon. हमें अब इसे रिमूव करना होगा. जब हम इसे रिमूव करेंगे तो हमारा जो ग्रामर आएगा, now s dash tends to s, there is a no change in that, s tends to ए एस ए ऑब्लिक ए बी ए एज इट इज है. अब आप ए की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, एप्साइलन, देन इट विल बी एस ए. अगर हमने राइट हैंड साइड के ए को एप्साइलन रखा देन इट विल बी ए एस. अगर हमने दोनों को रखा देन ये एस हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट ए.
ए में हमारा बी और एस है, आई मीन ये तो एप्सिलॉन तो हमने रिमूव ही करना है, वो ले चुके हैं हम, तो हमारा जो रिमेनिंग है वो बी और एस आ गया. नाउ कैपिटल बी टेंड्स टू स्मॉल बी, तो दिस इज नथिंग बट द आफ्टर रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन. जब हमने नल प्रोडक्शन रिमूव किया तो हमारे पास डबल डैश आ गया, तो हमने ये कर लिया. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कोई यूनिट प्रोडक्शन है हमारे पास. तो अब यहाँ पर देखें तो यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास क्या क्या आ रहा है, क्योंकि एक तो ऑटोमेटिक ही रिमूव हो गया जो ए टेंस टू कैपिटल बी था, ये वाला वो ऑलरेडी नल प्रोडक्शन को रिमूव करने से वो बी भी हमारे पास रिमूव हो गया बिकॉज वेन वी सब्सटीट्यूट दैट. तो अब हम देखते हैं हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं यहाँ पर. दैट इज नथिंग बट यहाँ पर एस डैश टेंस टू लिस्ट हियर, हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं यूनिट प्रोडक्शन क्या क्या है हमारे पास. नाउ रिमूव यूनिट प्रोडक्शन देन हमारा जो यूनिट प्रोडक्शन है यहाँ पर हम देखेंगे तो एस डैश टेंस टू एस आ गया, और दूसरा यहाँ पे एस टेंस टू एस दिख रहा है मुझे, एस टेंस टू एस हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए टेंस टू एस भी है, ए टेंस टू कैपिटल एस है यहाँ पर, एंड बी ऑटोमेटिक चला गया. दैट मीन्स ए टेंस टू अगर हमने जो बी लिया था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो चुका है. तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम इन तीनों को रिमूव करें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं एस डैश टेंस टू एस है, तो ये इस एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस एस एस के कितने प्रोडक्शन है, ये आई मीन ये पांच. अगर हमने इसे रख दिया तो फिर से एस आ जाएगा, तो बात वही होगी. तो नाउ ए एस ए ऑब्लिक ए बी ए एस ए ए एस, ये आ गया हमारा एस डैश. सिमिलरली एस को हम ले लेते हैं तो ए एस ए ऑब्लिक ए बी ऑब्लिक ए एस ए ए एस, एंड हम यहाँ पे एस को नहीं लेंगे बिकॉज वी वॉन्ट टू रिमूव दिस एस टेंस टू एस. अगर हम एस रखते हैं तो एस की वैल्यूज क्या, ये पांच ही प्रोडक्शंस होंगे, वो फिर से रिपीट हो जाएगा, तो रिपीटेड वैल्यू हम लिखते नहीं. दैट मीन्स ऑटोमेटिक यहाँ पे एस टेंस टू एस जो है वो रिमूव हो गया आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग दिस. नाउ यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए टेंस टू कैपिटल एस, हमें ये भी खत्म करना है. तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल बी तो एज इट इज रहेगा. अब हमें इस एस के प्लेस पे एस की जो भी वैल्यूज थी उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. दैट इज नथिंग बट ए एस ए ए बी ए ए एस ए एंड ए एस, दिस इज नथिंग बट द कैपिटल ए. कैपिटल ए रखने के बाद हमारे पास जो कैपिटल बी आएगा दैट इज अ बी टेंस टू स्मॉल बी, दैट इज द सिंगल प्रोडक्शन यहाँ पे. तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्शन यहाँ पे, यू कैन गिव द नेम एज अ जी ट्रिपल डैश. ये आया आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. आफ्टर रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन वी गॉट हियर जी ट्रिपल डैश, बट जी ट्रिपल डैश इज नॉट इन द सी एन एफ, स्टिल इट इज नॉट इन द सी एन एफ. तो सी एन एफ करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सी एन एफ आई मीन ऐसा एक एग्जाम्पल होगा, या तो एक टर्मिनल एलिमेंट होगा राइट साइड में, या फिर दो नॉन टर्मिनल फॉर्म होने चाहिए. सी एन एफ का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, आइदर इट कैन हैव सिंगल टर्मिनल एलिमेंट और डबल नॉन टर्मिनल एलिमेंट्स. तो बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्शन ऐसे हैं जो कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है सी एन एफ के, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट, देन लुक फॉर दैट. ओके, लेट्स सी दैट कि हम उसे कैसे करेंगे. तो फ्रॉम द जी ट्रिपल डैश वी आर गोइंग टू डू दिस. तो जी ट्रिपल डैश हमारे पास ये आ चुका है विच इज़ नॉट इन द सी एन एफ फॉर्म. सी एन एफ कन्वर्ट करने के लिए नाउ अब हम क्या करेंगे, सी एन एफ में करेंगे. तो सी एन एफ कहता है कि भाई अब देखते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है. एक तो यहाँ प्रॉब्लम है, दूसरी यहाँ प्रॉब्लम बिकॉज इट इज़ अ वन टर्मिनल एंड वन नॉन टर्मिनल. दिस इज ओके, जिस पे मैं टिक कर रही हूँ वो ओके है. अगेन यहाँ पे देखिए, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये तीनों हमारे ओके हैं, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया. ये भी ओके है हमारा, तो मैंने यहाँ टिक कर दिया. यहाँ प्रॉब्लम है जिसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये भी ओके है, ये भी और ये ऑलरेडी ओके है हमारा बिकॉज सिंगल टर्मिनल एलिमेंट है. तो लेट्स सी दैट कि अगर हमने यहाँ ए एस ले लिया तो ए एस को कुछ कंसीडर कर लें, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं लेट कैपिटल एक्स टेंस टू ए एस ले लिया मैंने. इसी तरह से अगर मैंने स्मॉल ए को हमने यहाँ पे ले लेते हैं वाई, चलिए वाई टेंस टू मैंने ले लिया स्मॉल ए, देन योर न्यू प्रोडक्शन विल बी वॉट हियर एस डैश टेंस टू. अब देखिए जहाँ जहाँ पे ए एस है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स. तो एक्स ए
देन स्मॉल ए को मैंने लिया है वाई, केवल वहीं पे चेंज करेंगे, ये नहीं करोगे कि वाई को मैंने ए ले लिया तो हर जगह स्मॉल ए को देख के आप वाई कर दोगे। वेयर एवर यू आर सीइंग कि सीएनएफ में नहीं है, केवल उस वाले पोर्शन को चेंज करोगे, तो एक्स ए वाई बी, बाकी जो एज इट इज था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे हम नहीं बदलने जा रहे। आप सोचोगे यहाँ तो एस है तो इसको मैडम ने एक्स माना तो यहाँ एक्स आ जाना ही चाहिए, नो, बिकॉज वी कैन कीप ओनली टू नॉन टर्मिनल सिम्बल्स, इफ यू आर कीपिंग योर एक्स देन इट विल बी सिंगल नॉन टर्मिनल विच इज नॉट अलाउड इन द सी एन एफ, तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एस टेंस टू ए, एस की जगह हमने क्या लिया है एक्स ए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा वाई बी, ए एस ए एस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ए टेंस टू बी, और यहाँ पे एस को हम क्या लिख देंगे एक्स ए वाई बी। नेक्स्ट यहाँ ए एस ए एस एंड कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल बी। दिस इज आफ्टर रिमूवल, आई मीन ये जो यूनिट प्रोडक्शंस था इससे हमने यहाँ पे क्या किया ये, तो आप देखेंगे कि हमारा जो सी एन एफ है, आप ये नहीं कहोगे ओके आई एम गोइंग टू रिमूव देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो यहाँ पर मैंने लिया है इतना सारा चीज़, ये कंप्लीट पैकेज यहाँ पर जो हम ले रहे हैं ये, दिस इज नथिंग बट द सी एन एफ। ये नहीं कि इन दोनों को छोड़ दोगे, ये जो एजम्पशन है देखिए ये भी क्या है सिंगल टर्मिनल एंड डबल नॉन टर्मिनल मैंने अज्यूम किया, तो दिस इज नथिंग बट द सी एन एफ, फाइनल आंसर इज दिस। आई मीन ये प्रॉब्लम हमारा ये था और इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो वी गॉट दिस वन, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहे तो ये एस डैश एस ए और बी लिखा, उसके बाद आप लिख सकते हैं वेयर एक्स कैपिटल एक्स इक्वल टू ए एस एंड कैपिटल वाई इक्वल टू स्मॉल ए, क्योंकि इसे आपने अलग से एज्यूम किया एक्स एंड वाई विच वॉज नॉट गिवन इन योर प्रोडक्शन, तो ये आप यहाँ पर मैंशन करेंगे। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन कि कैसे हम यहाँ पे सी एफ जी से सी एन एफ कन्वर्ट करते हैं।